हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज हम करेंगे अगली टेस्ट सीरीज में राजस्थान पुलिस 2013 में जित क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में और संगणक परीक्षा हुई है उनके बारे में क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि अगर आप राजस्थान पुलिस की या राजस्थान में किस कोई सी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये पर्सन आपके लिए बहुत खास होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा सौर ऊर्जा इंटरप्राइजेज किन जिलों में है। तो ये जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर जिले में है। वह दो जिले जिसमें कोई भी नदी नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों आपका बीकानेर और चूरू जिला। ऐसे दो जिले हैं राजस्थान में जिनमें कोई भी नदी नहीं है। सोम कमला अमला सिंचाई परियोजना किस जिले में? तो ये सिंचाई परियोजना कल भी पढ़ी थी अपन ने, डूंगरपुर जिले में है। ये 2013 राजस्थान पुलिस में भी आया था और वन रक्षक परीक्षा 2013 में भी आया था और इसके बाद में 2017 सेकंड ग्रेड में भी आया था। तो आगे चांस आपके बन जाते हैं। गीता चौधरी किस खेल से संबंधित है? गीता चौधरी आपके जूडो खेल से संबंधित है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय फर्राटा धावक उसेन बोल्ट किस देश से संबंधित है? उसेन बोल्ट का कौन सा देश है? तो उसेन बोल्ट जमैका देश से संबंधित है। राजस्थान में पुलिस यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा किस जिले में की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जोधपुर में की गई थी। ये आपके 2020 में पूछने लायक क्वेश्चन है। आगे विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह का पृथक निवास कौन सा था? श्री गंगानगर। महात्मा गांधी का वैष्णव जन तो तने कहिए का किसने लिखा था? यानी महात्मा गांधी का भजन वैष्णव जन तो तने कहिए किसने लिखा था? तो ये लिखा था नरसिंह मेहता। किसने लिखा था? नरसिंह मेहता जी ने लिखा था। आगे कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है आपका गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर और बाड़मेर। ये चार जिले आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है जिनकी पाकिस्तान से सीमा लगती है। आगे सिलोई क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं। दोस्तों ये कल भी हमने देखा था और आज भी ये देखने को मिला है। तो कल वन रक्षक परीक्षा में भी था और राजस्थान पुलिस में भी ये देखने को रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। तो आप इन्हें अवश्य देखिए। अगर यहाँ पे भोरट आ जाए, भोरट का पठार कहाँ है? तो वो आपको रहेगा उत्तर उदयपुर जिले में है। आगे अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा आपका सिरोही जिला। बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो ये ऑप्शन के अनुसार बीसलपुर बांध है जो टोंक जिले में स्थित है जिससे जयपुर राजधानी को और पेयजल की आपूर्ति की जाती है। आगे किस विश्वविद्यालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया था? तो ये राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर। आगे वनस्थली विद्यापीठ किस जिले में? तो वनस्पति विद्यापीठ आपके टोंक जिले में। आगे चूरू में ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है? चूरू में काले हिरण के कारण ताल छापर अभ्यारण्य आपका प्रसिद्ध है। आगे क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ग्रेट इंडियन बश किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा गोडावण। आगे वाहन में कार्बोरेटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आपके वाहन मोटरसाइकिल और किसी में भी कार्बोरेटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ये पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण लेने के लिए किया जाता है। आगे राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ को क्यों जाना जाता है? मानगढ़ धाम आदिवासियों का है। तो यहाँ आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन किया गया था, यहाँ पर गोली चला दी गई थी तो काफ़ी आदिवासी शहीद हो गए थे, तो इसलिए ये प्रसिद्ध है। ये 2013 के क्वेश्चन है सभी। राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहाँ है?
राजस्थान में दर्राबैंड कोटा जिले में फैला हुआ है। ये बारा, कोटा, झालावाड़ तीनों जिलों में फैला हुआ अभ्यारण्य है। आगे, पाकिस्तान से आने वाली थार एक्सप्रेस ट्रेन का राजस्थान में प्रथम स्टेशन कहाँ है? मुन्ना बाव इसका प्रथम स्टेशन है। पांचना बांध कहाँ पर स्थित है? तो पांचना बांध आपके करौली जिले में स्थित है। सूर्य की किरणें मानव शरीर के लिए किस कारण से उपयोगी है? तो सूर्य की किरणें मानव शरीर के लिए त्वचा को विटामिन डी की मात्रा देती है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्रोम्बे मुंबई में स्थित है। भांगड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया? तो ये सतलज नदी में बनाया गया है। हिजरी सन का पहला महीना कौन सा है? तो इसका मुहर्रम है। नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? तो नेवलों की निठली नवमी के दिन की जाती है। खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। किस वर्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? ये 1500 से 2013 में पूछा गया था। तेंदु। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? तो ये पिछोला झील उदयपुर में स्थित है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? पारदर्शी प्रकाशन, ये 2017 में भी पूछा गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलोर में स्थित है। नारायण कार्तिकेयन किस खेल से संबंधित है? तो ये सही आंसर रहेगा आपका फार्मूला वन कार रेस। डांग क्षेत्र किस क्षेत्र से संबंधित है? तो डांग आपका कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर और धौलपुर, सबसे ज़्यादा सवाईमाधोपुर और धौलपुर और करौली जिले में स्थित है। आगे क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है? तो अनुसूचित जनजाति यानी इसमें एसटी की सीटें हैं 34। राजस्थान की नौकरशाही व्यवस्था के पद सोपान में सर्वोच्च अधिकारी है मुख्य सचिव। अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय के समय वहाँ का शासक कौन था? वहाँ का शासक आपका कानड़देव था। दोस्तों ये है लेब टेक्नीशियन उदयपुर 2013 में पूछे गए थे। आबू के परमारों की प्राचीन राजधानी कहाँ है? तो चंद्रावती है, ये 2017 में पूछ लिया। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग किस भाषा में लिखे? तो गुजराती भाषा में लिखी थी गांधी जी ने। भारत में सबसे अधिक सोना उत्पादन राज्य है कर्नाटक। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर भरती है। राजस्थान में 2001-2011 में दशावधि जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत क्या था? 21.3% था। ये हम्पी में किस महान साम्राज्य के खंडहर आज भी मौजूद है? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका विजयनगर। राजस्थान सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2011 को किस कल्याणकारी योजना का शुभारंभ किया गया था? तो ये हॉस्पिटलों में मिलती है ना, वो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना शुरू की गई थी। महाराणा कुंभा को कितने दुर्ग बनाने का श्रेय दिया जाता है? राजस्थान में 24 दुर्ग में से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा के नाम है, तो ये 32 दुर्ग। अजमेर के तारागढ़ दुर्ग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अजमेर के तारागढ़ दुर्ग को गढ़बीठली नाम से भी जाना जाता है। निहाल चंद का संबंध राजस्थान के किस चित्रकला से है? तो किशनगढ़ शैली से है, मणिठनी। राजस्थान में किस स्थान पर समाचार पत्र प्रकाशित होने प्रारंभ हुए थे? अजमेर में हुए थे। काफ़ी रिपीट हुआ है ये दोनों क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछ लिया। किस संप्रदाय द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? जसनाती संप्रदाय के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। राजस्थान के किस लोक देवता का संबंध कोलू जोधपुर गांव से है? बाबूजी ऊँटों के देवता होते हैं, उनका संबंध आपके यहाँ से है।
प्रसिद्ध पुस्तक थ्री मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ के लेखक कौन है? चेतन भगत है इसके। आगे चौबीस कैरेट सोना को कहते हैं प्राइमरी गोल्ड। राजस्थान के वे दो जिले जिसमें कोई नदी नहीं बहती, बीकानेर व चूरू। ये भी संगणक परीक्षा 2013 में भी आया था और 2013 राजस्थान पुलिस में भी ये पूछा गया था। सोम कमला अमला सिंचाई परियोजना राजस्थान राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये डूंगरपुर में है आपके। काली सिंध परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये झालावाड़। राजस्थान में जल दुर्ग किस स्थान पर है? तो गागरौन झालावाड़ में। राजस्थान में प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो रामगढ़ में। राजस्थान में पन्ना ज़्यादातर किस जिले में मिलता है? राजसमंद में। राष्ट्रीय मरुस्थल पार्क कहाँ स्थित है? जैसलमेर का। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में जो मुख्य नदी बहती है उसका नाम क्या है? लूणी नदी है। राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है जो थ्रिकस थ्रो से संबंधित है? तो कृष्णा पूनिया। राजस्थान में मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना कब से लागू की गई? 1 अप्रैल 2013 से। राजस्थान सरकार ने तीसरे टाइगर रिजर्व की घोषणा जिसका नाम है मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य। राजस्थान में भारत का पहला ट्रांसपोर्ट हब कब कहाँ स्थापित किया गया? रेल मगरा राजसमंद में किया गया है। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध स्थान जिसमें अंग्रेजी सेना की गोलाबारी से 1500 भील आदिवासी शहीद हो गए कौन सा? ये मानगढ़ धाम, अभी पढ़ा था अपन ने आदिवासियों का, बांसवाड़ा जिले में स्थित है। राजस्थान में राइट टू रिकॉल का प्रयोग करने वाली 12 जिले की पहली नगर पालिका कौन है, कौन सी है? तो ये मांगरोल है, मांगरोल पंच नगर पालिका है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए और घंटी के निशान को अवश्य दबाइए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।